हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज क्लास 12 का चैप्टर है बिलियन, उसकी बात करते हैं। पहला चैप्टर ठोस अवस्था है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है, तो यूपी से काफ़ी चांसेस हैं हटने के। तो अब चैप्टर की बात करते हैं विलयन। विलयन में दो चीज़ें मेन होती हैं, विलय प्लस विलायक। मतलब विलय और विलायक के मिलने से बनता है विलयन। विलय क्या होता है, तो हम ये जनरली जानते हैं कि विलय वो होता है जो विलायक में घुल जाता है, और विलायक वो होता है जो विलय को घुल लेता है। लेकिन जो इसकी परफेक्ट परिभाषा होगी वो ये होगी कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। और विलय विलायक के मिलने से बनता है विलयन। अब विलयन के कुछ प्रकार भी होते हैं, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तन विलयन, एक होता है सधूम विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, और इसके अलावा एक और आता है असंतृप्त विलयन। अगर हम बात करें सांद्र विलयन की, तो सांद्र विलयन में विलय की मात्रा विलय की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तन विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है। सधूम विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। और संतृप्त विलयन वह अवस्था होती है जिसमें विलय का विलायक में घुलना बंद हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे शक्कर मिलाई हमने पानी में, तो बन गया शरबत। तो शरबत बनाने के लिए पानी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, शक्कर हमेशा कम होनी चाहिए। मानो अगर मैं एक गिलास शरबत बनाना है, तो एक गिलास पानी में हम 5-6 चम्मच शक्कर डालेंगे, 7 चम्मच शक्कर डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक गिलास पानी में एक गिलास शक्कर डाल दें तो हमारा शरबत नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा जो विलेय है वो कम होना चाहिए। अर्थात शरबत बनाने के लिए शक्कर हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि शक्कर विलेय है, और पानी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पानी विलायक है। अब मानो हमने शरबत में शक्कर ज़्यादा रखी है थोड़ी सी, तो ज़्यादा मीठा शरबत बनेगा, तो उसको बोलेंगे सांद्र। अगर हमने चीनी कम रखी है तो कम मीठा बनेगा, उसको बोलेंगे तन। और हमने बहुत ज़्यादा मिला दी है, मतलब चाशनी टाइप का बना दिया है, तो वो होगा सधूम। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। मतलब एक गिलास पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच 10 12 चम्मच शक्कर डालिए, तो एक कंडीशन आएगी शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, और वो कंडीशन होती है संतृप्त विलयन की कंडीशन। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट था। इसके बाद स्टार्टिंग आएगी मेन टॉपिक की, जिसका नाम होता है विलेयता। विलेयता समझेंगे अब। इसके बाद आता है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के निश्चित आयतन में घुली हो। विलेय का मतलब समझ लीजिए फिर से, अगर मतलब वही था जो मैंने आपको संतृप्त में बताया था कि एक फिक्स अमाउंट ही एक गिलास पानी में घुल सकता है, तो वही विलेयता होती है। और विलेयता ने कॉन्सेप्ट दिया था लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसा है वैसे में ही घुलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि विलेयता हम क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री में क्यों आई, तो उसका कुछ रीज़न था। वो रीज़न आप देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। एग्जांपल हमने लिया है नमक। साइंटिस्टों को एक कटोरी नमक दिया गया, और एक जगह दिया गया पानी, और एक जगह दिया गया बेंजीन, और साइंटिस्टों से पूछा गया कि इसको डिजॉल्व करो। तो उस टाइम पे विलेयता की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले उस नमक को डाला बेंजीन में। जब बेंजीन में डाला तो नमक नहीं घुला, ऊपर देखिए क्रॉस लगा है, मतलब बेंजीन में नमक नहीं घुला। लेकिन जब पानी में डाला तो नमक घुल गया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि पहले किस में डाला गया था, वेरी गुड, बेंजीन में डाला गया था, और बेंजीन में नमक नहीं घुला था। तो इसका मतलब पहले हमारा टाइम भी खराब गया, नमक भी खराब गया, बेंजीन भी खराब गई, और बाद में पानी में घुल गया। तो इसके बाद विलेयता कॉन्सेप्ट आया। विलेयता ने कहा कि जैसा है वैसे में घुलेगा। अब नमक क्या होता है, नमक होता है NaCl। NaCl मतलब Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये वहीं घुलेगा जहाँ पे प्लस माइनस दिखेगा। जब हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन में कहीं भी प्लस माइनस नहीं दिखता है। लेकिन जब बात करते हैं पानी की, तो पानी होता है H प्लस OH माइनस, मतलब H2O। तो NaCl वहीं घुलेगा जहाँ पे प्लस माइनस दिखेगा। अब बेंजीन में नहीं दिख रहा है, जबकि H2O में दिख रहा है। यही कारण है कि हमारा नमक पानी में घुलता है लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा टाइम बच गया, हम ये समझ गए कि जैसी चीज़ें होती हैं वैसी में घुलती हैं। और यहाँ पे एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर प्लस या माइनस दिखेगा आपको, उनको हम बोलते हैं ध्रुव, ध्रुवीय। मतलब नमक को बोलेंगे ध्रुवीय, पानी को बोलेंगे ध्रुवीय, और जिस पे हमें प्लस माइनस नहीं दिखेगा उसको हम बोलते हैं अध्रुवीय। ये दो नए वर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नमक पानी में विलेय विलायक कौन है, तो आप बोलोगे नमक विलेय है, पानी विलायक है। और अगर आप और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हैं कि नमक ध्रुवीय विलेय है, पानी ध्रुवीय विलायक है, और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, और मोल प्रभाज क्या होता है, और कैसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आता है। थैंक यू।